अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे कटहल दो प्याज़ा, जो कि खाने में हेल्दी और टेस्टी है और कुछ नए तरीके से। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर आधा किलो कटहल लिया है। हमने कटहल का इस तरह से पीसीस बना के इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी के साथ पानी में भिगा के रख दिए थे। इस तरह भिगाने से कलर चेंज नहीं होते। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच अक्खा लहसुन इस तरह से छील के लिया। हमने यहाँ पर 3 से 4 कांदा मीडियम साइज इस तरह से काट के लिया। यहाँ पर हमने सभी मसाले को लिए। हमने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ लिया, हमने 3 अक्खी मिर्ची लिए, हमने 4 लौंग लिया, हमने थोड़ा सा दालचीनी लिया, हमने छोटी इलायची छोटे थे हमने 6 से 7 लिए हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा काली मिर्च लिया, हमने यहाँ पर बड़ी इलायची 2 लिए। यहाँ पर हमने 2 चम्मच अक्खा धनिया लिया है इस तरह से। अब हम सभी मसाले को यहाँ पर हमने कढ़ाई को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गई, हमने इसमें 2 चम्मच तेल लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गए, हमने यहाँ पर मीडियम साइज 1 कांदा काट के इस तरह से लिया। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं देखिएगा, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। यहाँ पर हमें हल्के आंचों पे सभी खड़े मसाले को हल्का भून लेना है। यहाँ पर हमें जो मसाले लिए थे सभी को इसी में अच्छी तरह से ऐड करके भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ध्यान दें, हमें हल्के आंचों में ही भूनना है इस तरह से। हल्का ब्राउन हो गए हैं दोस्तों, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिएगा बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं, अब इसमें हम जो कांदे काटे थे इसी में हमें सभी को ऐड कर देना। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं हमें कांदे को हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेना। यहाँ पर हमें जो सूखी अक्खी मिर्ची लिए थे वो भी इसी में तोड़ के ऐड कर देना। यहाँ पर हमने जो लहसुन लिए थे उसे भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला के भून लेना है हल्का ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन हो गए हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से, देखिएगा। अब हम जो कटहल के पीसेस बनाए थे सभी को इसी में हमें ऐड कर देना है इस तरह से। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, आप भी बनाना सीख जाएंगे। हमें अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक लिया है। अब हमें सभी चीज़ों को इस तरह से मिलाते हुए भून लेना है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्ची इस तरह से काट के ले लिया। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल के ढक्कन लगा देंगे। मसाले ठंडे हो गए, हमने यहाँ पर मिक्सर जार लिया। अब सभी मसालों को हमें मिक्सर जार में ऐड कर लेना है। मिक्सर जार में मसालों के साथ हमें थोड़ा सा पानी भी ले लेना है। सभी मसाले हमने मिक्सर जार में ऐड कर दिए। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। अच्छी तरह से ये बारीक हो गए हैं, अब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर कटहल 2 प्याज़ा अच्छी तरह से पक रहे हैं, इसे हम ढक्कन हटा के अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। हमें सभी सब्जियों को इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिए थे। अब इसी के साथ हमें सभी मसालों को ऐड कर देना। दोस्तों हमारा मोबाइल हीट के वजह से बंद हो गया था, हमने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी लिया है। यहाँ पर मिक्सर जार में मसाले लगे थे, हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी इसी में ऐड कर दिया है इस तरह से। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना। यहाँ पर हमने 2 तेज़पत्ता लिया इस तरह से। अब सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए भून लेना है। हमें मीडियम आंच पे ही रखना है। हमें सब्जियों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है इस तरह से। सब्जियाँ सभी अच्छी तरह से गल गए हैं, अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 1 मिनट हो गए, देखिएगा बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप भी देख सकते हैं। सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से चला के भून लिया। अब यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए।
1 मिनट हो गए हैं, देखिएगा अच्छी तरह से सब्जियां पकने लगी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। फिर से इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाते हुए इसी तरीके से हमें भून लेना है। हमें सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन हटा के सभी सब्जियों को एक बार फिर से चला लेंगे अच्छी तरह से। सभी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से चला लिया है। अब यहाँ पर हमें बारीक कटा हुआ ऊपर से हरा धनिया डाल देना है। इस तरह आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों। सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक गए, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कटहल दो प्याज़ा बनके तैयार है दोस्तों। इस तरह से बनाएंगे तो बड़े बच्चे सभी को पसंद आएगा। आप सभी लोगों को हमारा कुकिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।